सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पहले जल्दी से पुराने पोल की, जहाँ पे सवाल ये था कि आपके हिसाब से क्या टिकटॉक को इंडिया में बैन करना चाहिए या नहीं। तो आप इसे बोला है 90% ने जी हाँ लगा देना चाहिए बैन टिकटॉक, मतलब अभी का भैया कर दो बैन टिकटॉक को। बाकी बोलते हैं नहीं भाई, टिकटॉक की क्या गलती है, टिकटॉक को क्यों बैन कर रहे हो। यहाँ भी कर दोस्तों, ऐसे में आज का सवाल फिलहाल ये है कि अभी चल रहा है हमारे देश में लॉकडाउन, क्या आप लॉकडाउन खत्म होते ही, मतलब अभी आप क्या बस वेट ही कर रहे हैं कि आपको कोई नया गैजेट, कोई स्मार्टफोन, कोई लैपटॉप, मतलब ऐसा कोई आइटम खरीदना है, या आपके हिसाब से भैया लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद में भी आप आराम से मौका देख के लेंगे कोई नया डिवाइस। बताइए जरूर आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी ये भी है कि आपको लेना ही नहीं है। क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और हमेशा की तरह हर बार की दोस्तों ऐसी अपने सपोर्ट को बनाए रखिए और पूरी ताकत के साथ में जोर लगा के दबा दीजिए अभी का अभी लाइक बटन को। दोस्तों निकल के आता है पहला अपडेट यहां पे OnePlus Bullets Wireless Z को लेके। मतलब यहां पर दोस्तों अभी OnePlus जो है वो शायद ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स तो शायद लॉन्च ना करे, लेकिन लॉन्च कर सकता है बुलेट्स वायरलेस जेड, जहां पे हमको 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। तो यार ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ में दोस्तों यहां पे वॉप चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा। देखते हैं एग्जैक्टली कि आखिर इनकी कीमत क्या होती है और वाकई में ये लॉन्च अभी होते भी हैं या नहीं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में, मतलब एक काफी दोस्तों इंटरेस्टिंग सीन हुआ यूके में, जहां पे एक लेडी ने एक आईफोन जो है वो थेम्स नदी में ड्रॉप कर दिया। और ऐसे में अब भैया नदी में गिरा है तो फोन कहाँ से मिलेगा, लेकिन दोस्तों 2 महीने बाद ऐसे ही मतलब नदी किनारे भैया टहल रहे थे और सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं फोन को ढूंढते हैं, तो डाली नेट नीचे पानी में और दोस्तों फोन मिल गया। और न सिर्फ फोन मिला, फोन जो है वो चालू हालत में था, ऑफकोर्स बैटरी नहीं थी फोन में, लेकिन दोस्तों फोन में सब कुछ चीजें बड़े आराम से काम कर रही थी। मतलब आईफोन 2 महीने तक थेम्स नदी में और फिर भी डुबकी लगाने के बाद में आईफोन 8 जो था वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे इंडिया में एयरटेल और वोडाफोन वगैरह को लेके। अब दोस्तों आपने अगर खबर सुनी थी कुछ टाइम पहले कि जियो जो है वो ऑफर कर रहा है कि आप एटीएम से रिचार्ज कर सकते हैं अपने फोन को, तो ये जो भी ऑप्शन है ये दोस्तों एयरटेल और वोडाफोन में भी आ गया है। अलग अलग बैंक के साथ में यहाँ पे टाई अप हो चुका है, तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप एटीएम मशीन से भी अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज कर सकते हैं, फिर चाहे वो एयरटेल का हो, वोडाफोन का हो या फिर जियो का। अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में यहां पे गैलेक्सी बर्ड्स बीन को लेके। ये दोस्तों एक मतलब लीक हो के आया है सामने, काफी क्रेजी डिजाइन वाले ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स सैमसंग की तरफ से। देख के लगता ही नहीं है कि ऐसा ये कोई ईयरफोन हो सकता है, बिकॉज काफी दोस्तों अजीब सा डिजाइन है, इसलिए इसको नाम भी दिया है बर्ड्स बीन, बिकॉज किसी बीन की तरह लगता है। और ऐसे में ये दोस्तों शायद सैमसंग जल्दी लॉन्च कर सकता है, मतलब कान में एक अलग टाइप से स्लाइड हो गया आप जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर देखते हैं ये अपने साथ में क्या-क्या फीचर्स को लेके आता है गैलेक्सी बर्ड्स बीन। अगला अपडेट निकलता है हमारे पास में यहां पे दोस्तों गूगल मैप्स को लेके, जहां पे दोस्तों साथ में गूगल सर्च और गूगल असिस्टेंट भी शामिल है। और यहां पे दोस्तों अगर आप करते हैं सर्च तो ये आपको बताएगा कि COVID-19 के लिए फूड या फिर नाइट शेल्टर्स कहां पे हैं। दोस्तों इंडिया में करीब अलग-अलग 13 शहरों में ये चीज काम कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है कि किसी जरूरतमंद के लिए काम में चीज आ सकती है। और अगर आपको इमरजेंसी कंडीशन में कभी ऐसी जरूरत पड़े तो गूगल आपको सही इंफॉर्मेशन बता देगा। अगला अपडेट निकल के आता है यहां पे हमारे पास में वावे के नए किरीन 985 प्रोसेसर को लेके। और यहां दोस्तों ये जो ऑनर 30 सीरीज है इसके साथ में शायद लॉन्च हो सकता है, और ये अभी किरीन 980 और 990 के बीच में कहीं फिट हो रहा है 985, तो देखते हैं एग्जैक्टली कि जो प्रोसेसर है ये अपने साथ में क्या कुछ नया लेके आता है। अगला यहां पे अपडेट निकलता है दोस्तों नोकिया के 9.3 प्योर व्यू को लेके। मतलब नोकिया 9 देखा था हमने, वो 5-5 कैमरे वाला स्मार्टफोन, उसके बाद में भैया कुछ उसका अपडेट निकल के आया नहीं, कुछ उसका नया वर्जन निकल के नहीं आया। तो यहां पे भैया बात हो रही है फिलहाल नोकिया के ट्रू फ्लैगशिप स्मार्टफोन नोकिया 9.3 की, और बोलते हैं कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2020 के सेकंड हाफ के लिए, बिकॉज अभी दोस्तों पूरा सीन चल रहा है कोरोना वायरस का, दुनिया भर में फैला हुआ है, तो ऐसे में नोकिया लॉन्च करके भी क्या ही उखाड़ लेगा,
तो अभी बोला है कि थोड़ा रुक के लॉन्च होगा नोकिया का यही अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन। अगला अपडेट निकलता है दोस्तों यहाँ पे वीवो के V19 स्मार्टफोन को लेके, जहां पे ग्लोबली ये लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर। बाकी दोस्तों यहाँ पे क्वाड रियर कैमरा है, ड्यूएल सेल्फी कैमरा है 32+8 मेगापिक्सल का, लेकिन प्रोसेसर मेरे ख्याल से यार थोड़ा सा नया होना चाहिए था, 720G या फिर 730 वगैरह। 712 तो बहुत पुराना हो गया है। देखते हैं कि अभी इंडिया में जो आएगा वीवो का V19 तो किस कीमत पे क्या स्पेसिफिकेशंस लेके आता है। अगला अपडेट निकलता है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में आईको नियो 3 को लेके, और ये जो स्मार्टफोन है ये दोस्तों शायद जल्दी लॉन्च हो सकता है, जहां पे मिलेगा एक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो कि एक IPS डिस्प्ले होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे होगा लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, और इसके अलावा यहाँ पे होगा 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, और ये फोन बहुत जल्दी दोस्तों शायद लॉन्च हो सकता है, जहां पे ये एकदम हेड टू हेड टक्कर देने वाला है Redmi K30 Pro को। अब देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या प्राइस पे आता है IQ का ये Neo 3 और एग्जैक्टली इंडिया में आखिर लॉन्च कब तक होता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल रहा है यहाँ पे हमारे पास में iPhone 11 अभी देखने के बाद में इस साल iPhone 12 और iPhone 12 Pro और Pro Max वगैरह को लेके, जहां पे रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभी दोस्तों जो हमने देखा नए iPad में LiDAR वाला ऑप्शन, वो आपको LiDAR सेंसर जो है वो iPhone 12 Pro और 12 Pro Max दोनों में ही मिलेगा। मतलब जो कैमरा सेटअप है वो शायद ऐसा दोस्तों लेके आएगा एक चार चार मॉड्यूल्स, जहां पे तीन तो होंगे सिंपल, वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो, जो चौथा सेक्शन होगा वो होगा लाइडार सेंसर के लिए। देखते हैं एग्जैक्टली क्या है कि एप्पल कैसे इंप्लीमेंट करता है लाइडार सेंसर को, इसकी वजह से जो आईफोन है वो और कितने महंगे हो जाते हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पे एक बहुत भयंकर चल रही फेक न्यूज को लेके, जहां पे यूके में लोग जो है दोस्तों वो पता नहीं कहां से ये मान के बैठे हैं कि जो कोरोना वायरस है वो 5G की वजह से फैल रहा है, जिसके चलते दोस्तों यहां पे वो 5G का जो कंप्लीट दोस्तों सिस्टम है उसको वैंडलाइज कर रहे हैं, जो टावर्स वगैरह हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पे जो स्टाफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, उनसे भी जो है वो मतलब बदसलूकी कर रहे हैं। तो यार ये पता नहीं कहां से फेक न्यूज फैली है जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेसलेस है, इसका कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है कि 5G की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। लेकिन ऐसे में यूके में दोस्तों जो है वो ये चल रही है थ्योरी, और ऐसे में काफी डेंजरस भी है। तो मेरी आपसे अपील यही है कि प्लीज ऐसे किसी भी उम्र पे प्लीज भरोसा मत करो, बिकॉज दूर दूर तक सच नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है 5G और कोरोना वायरस का। अगला दोस्तों यहाँ पे अपडेट निकल के आता है लास्ट, वो है आपके घर बैठे आपको कैश मिलने से लेके, जहां पे इन केस ऑफ दोस्तों एनी इमरजेंसी, अगर ऐसा है कि आप जो है वो एक सीनियर सिटीजन है, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, या अगर दोस्तों किस तरह की इमरजेंसी है, तो भी ऑप्शन आ गया है अलग अलग बैंक की तरफ से, जहां पे दोस्तों SBI है या HDFC है या ICICI है, एक्सिस बैंक वगैरह है, वो अभी दोस्तों आपको घर पे कैश ला के दे सकते हैं। मतलब ऐसे में आप कैश को ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर पे कैश आ जाएगा। लेकिन ये सर्विसेज ऐसा नहीं है कि भैया किसी का भी मन किया और किसी ने भी ऑर्डर कर लिया, अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट होते हैं जहां पे आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये चीज हो जाएगी, जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी घर में कैश चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो आपको आपका बैंक सीधा घर पे लाके देगा, बिकॉज बाहर तो खैर लॉकडाउन है और आप बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। दोस्तों ये थे खैर कुछ अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।